पहाड़ के लोगों के लंबे आंदोलन के बाद साल 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बना। लेकिन हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने का एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा था। इस विरोध के बीच साल 2004 के लोकसभा चुनाव आए और समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर इसी मुद्दे को भुनाया। लोगों को लगा कि अगर समाजवादी पार्टी जीती तो हरिद्वार फिर से उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में सपा के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह बाड़ी चुनाव जीत गए, जबकि राजेंद्र सिंह बाड़ी कोई बड़ा चेहरा भी नहीं थे। हालांकि इस चुनाव के बाद उत्तराखंड में कभी समाजवादी पार्टी का सांसद तो दूर कोई विधायक भी नहीं जीता है। इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार और तीन बार के सांसद हरपाल सिंह साथी तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे और समाजवादी पार्टी का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ था। समाजवादी पार्टी की जीत और चुनाव के मुद्दे के कारण यह चुनाव देश में काफी चर्चित रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। उत्तराखंड राज्य बनने की घोषणा से पहले ही मांग उठने लगी थी कि हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल न किया जाए। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उत्तराखंड का गठन हुआ था और उस वक्त यूपी में भी भाजपा की सरकार थी। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। खैर, राज्य बनने का ऐलान हुआ तो हरिद्वार बचाओ आंदोलन भी तेज हो गया था। किसान संगठन भी यही मांग उठा रहे थे। 28 अगस्त 2001 को मंगलोर गुड मंडी में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलाबारी भी की थी। इसमें 3 किसान घायल हुए थे और रघुवीर सिंह नामक किसान की मृत्यु हो गई थी। हरिद्वार जिले के वरिष्ठ पत्रकार संदीप तोमर बताते हैं कि इस घटना के बाद हरिद्वार बचाओ आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद तेज हो गया था। हालांकि शहरी क्षेत्रों में आंदोलन का प्रभाव कम ही था। 2004 के लोकसभा चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार को यूपी में मिलाने के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया। उस वक्त के नेता राम सिंह सैनी, अम्बरीश कुमार काफी सक्रिय थे। वरिष्ठ पत्रकार रमन त्यागी ने बताया कि हरिद्वार तब तक सुरक्षित सीट थी और भाजपा के गढ़ के रूप में पहचान बन गई थी, क्योंकि भाजपा के हरपाल सिंह साथी 3 बार चुनाव जीत चुके थे। सपा ने राजेंद्र बाड़ी को टिकट दिया था तो भाजपा ने हरपाल साथी पर ही दांव लगाया था। बसपा ने डॉक्टर भगवान दास और कांग्रेस ने दीपक कुमार को टिकट दिया था। लुड़की के लिथोप्रेस ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बड़ी जनसभा हुई थी। मुलायम सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि केंद्र में भी उनकी सरकार बन रही है, राजेंद्र बाड़ी को जिताओ तो फिर हरिद्वार यूपी में ही होगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी तो उत्तराखंड गठन के पक्ष में ही नहीं थी। परिणाम ये रहा कि सपा को हरिद्वार की जनता ने बंपर वोट किया और राजेंद्र बाड़ी सांसद बने। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी बताते हैं कि राजेंद्र बाड़ी सपा में तो थे लेकिन उनकी पहचान बड़े नेता की नहीं थी। पत्नी सरला बाड़ी नगर पालिका रुड़की की सभासद थी। टिकट इसलिए मिला कि उनके एक रिश्तेदार जो यूपी में सपा के बड़े नेता थे, जिन्होंने मुलायम सिंह से सिफारिश भी की थी, और हरिद्वार सुरक्षित सीट थी तो सपा में टिकट के दावेदार भी बहुत ज्यादा नहीं थे। सपा यहां से चुनाव जीती लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। खैर, इस चुनाव के बाद राजेंद्र सिंह बाड़ी जितने भी चुनाव लड़े उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। एक बार उन्होंने झबरेड़ा विधानसभा से तो एक बार रुड़की नगर निगम के महापौर का चुनाव लड़ा था। दोनों ही चुनाव में वह 5वें स्थान पर रहे थे। खैर, 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार राजेंद्र बाड़ी को 1,57,331, बसपा के डॉक्टर भगवान दास को 1,19,672, भाजपा के हरपाल सिंह साथी को 1,17,979, कांग्रेस के दीपक कुमार को 76,001 वोट मिले थे। एक बात और, उस वक्त हरिद्वार जिले में बसपा के 5, भाजपा के 3 विधायक थे, जबकि सपा का कोई विधायक नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।